व्हाट्सअप गाइस, ओनली सर राज कर इस वीडियो में हम बात करेंगे कि विप्रो में ऐसा क्या हुआ है कि सिलेक्टेड कैंडिडेट्स जो फ्रेशर्स थे उनको रिजेक्शन का मेल आ चुका है कि आप रिजेक्ट हो गए हो, आप नॉन कंप्लायंट हो। इन सब के बारे में मैं डिटेल में बताऊंगा और इसका रीज़न क्या है वो भी मैं आपसे शेयर करूंगा। तो सबसे पहली चीज़, ये मेल उन लोगों को आया है जो कि फ्रेशर्स थे और जो कि जिनका ज्वाइनिंग 2022 बैच में हुआ था, राइट। मतलब जो 2022 पास आउट था उनमें से कुछ बच्चों को ये मेल आया है। लगभग 50 लड़कों को ये मेल आ चुका था और काफ़ी सारे लोग मेरे से कनेक्टेड थे इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम पे, तो काफ़ी सारे लोगों ने मेरे से डाउट भी किया कि ऐसा क्या हुआ था कि मेरे को ये मेल आया। तो सबसे पहले उस मेल के बारे में बताऊंगा, यहाँ पे कहीं पे आपको स्क्रीनशॉट भी दिखा दूंगा। तो सबसे पहले उस मेल के बारे में बताऊंगा कि मेल आया था कि आपका जो नाम है वो नॉन कंप्लायंस लिस्ट में। अब नॉन कंप्लायंस क्या है, हो सकता है कि उनकी वेरिफिकेशन चेक हुई होगी, उसमें उनका नेगेटिव रिपोर्ट आया होगा, तो उनका जो कंप्लायंस है वो नॉन कंप्लायंट बन गया होगा। मतलब आपको किसी कंपनी में अगर आपको रहना है तो आपको कंप्लायंट रहना पड़ेगा। कंप्लायंट एक टर्म है कि आप एलिजिबल हो तो आप कंप्लायंट हो, ऐसा है, मतलब सिंपल में समझ लेते हैं, और आप एलिजिबल नहीं हो तो आप नॉन कंप्लायंट हो, राइट। तो नॉन कंप्लायंट लिस्ट में अगर आपका नाम चला गया तो उस कंपनी से आपको टर्मिनेट कर दिया जाएगा कि भाई आप तुम डिफॉल्टर हो, तुम्हें ये डिफॉल्ट है, तुम बाहर चले जाओ, राइट। तो वही कुछ इन फ्रेशर्स के साथ हुआ। हो सकता है कि इनके वेरिफिकेशन चेक में गलती हुआ होगा, या हो सकता है कुछ इन्होंने ऐसा काम किया होगा जो कि कंपनी के पॉलिसी के खिलाफ है, तो इसलिए इनका जो नाम था वो नॉन कंप्लायंट लिस्ट में था। अब जैसे नाम नॉन कंप्लायंट लिस्ट में आ गया तो जो ट्रेनिंग मैनेजर थे इनके, उन्होंने इनको डायरेक्टली मेल भेज दिया कि वी आर सॉरी, मैं रिग्रेट करता हूँ, लेकिन आपका नाम जो है नॉन कंप्लायंट लिस्ट में है और आपको इस कंपनी से टर्मिनेट किया जा रहा है। मतलब इस लिस्ट से आपको टर्मिनेट किया जा रहा है, ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर। तो अब ये लड़के यार काफ़ी घबरा चुके हैं कि अब क्या होगा। तो ये थोड़ा सा मेरे को गलत इसलिए लगा क्योंकि ये चीज़ आपको पहले कर देनी चाहिए। बच्चे का इतना समय आपने खराब किया, मान लीजिए नवंबर दिसंबर के समय आपने सिलेक्शन मेल भेजा, आपने ऑफर लेटर भेजा, बच्चे ने ऑफर लेटर एक्सेप्ट कर लिया। ऑफर लेटर एक्सेप्ट करने के बाद आपने इतने दिनों की उनको गैप दे दिया, फिर उन्होंने पढ़ाई की होगी या नहीं की होगी गॉड नोज, लेकिन उसके बाद आप जब उनका सेक्शन भी खत्म हो गया, उनके पढ़ाई खत्म हो गई, उनको सर्टिफिकेट मिल गया, वो अपने कॉलेज से पास आउट हो गया, प्लेसमेंट सीजन रुक गया, अब ये अगस्त सितंबर में ये रिजेक्शन मेल देना, इट्स नॉट गुड, इट्स नॉट फेयर ऑल्सो। सो क्या कुछ कहना है आपका, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताएं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब करो, और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए चैनल को तो जरूर सब्सक्राइब करो प्लीज़। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड डे, बाय।